गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी हाजिर हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने विनती है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। शिमला धर्मशाला समेत हिमाचल के 10 शहर लू की चपेट में, अभी 4 दिन सताएगी भयंकर गर्मी, येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है। शिमला धर्मशाला समेत प्रदेश के 10 शहरों में रविवार को दूसरे दिन भी लोगों को लू का सामना करना पड़ा। आगामी 4 दिन और लू चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में यह पहली बार है कि लगातार 6 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी हुआ है। शनिवार और रविवार को लू का येलो अलर्ट था। उधर 15 मई से रोजाना प्रदेश के अधिकतम तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होती जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 25 मई तक चटक धूप खिलने का पूर्वानुमान है। बता दें कि पिछले कल ऊना का तापमान सबसे ज़्यादा 44.2 डिग्री सेल्सियस रहा। निषाद ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झटका रजत पदक। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कोबे जापान 2024 में हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के अधीन पड़ते आम्ब के गांव बधायूं निवासी निषाद कुमार ने 47 कैटेगरी में ऊंची कूद में एक बार फिर से भारत का नाम चमकाया है। पिछले कल चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए निषाद कुमार ने 1.99 मीटर का हाई जंप लगाकर सिल्वर मेडल हासिल किया है। गौरतलब है कि पैरा एथलीट निषाद कुमार ने उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को में आयोजित 6वीं पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स 2022 की 47 कैटेगरी में ऊंची कूद स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। निषाद ने न केवल स्वर्ण पदक जीता था बल्कि 2 मीटर 10 सेंटीमीटर जंप लगाकर एशिया का नया कीर्तिमान भी स्थापित किया था। धू धू जलने लगे हिमाचल के जंगल। 2180.89 हेक्टेयर वन क्षेत्र में लाखों की संपदा जलकर राख। गर्मी के कारण तापमान बढ़ने से हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस कारण प्रदेश के जंगल धू धू कर जलने लगे हैं। प्रदेश में आगजनी की 320 घटनाएं सामने आई हैं, जिनसे लाखों की वन संपदा के साथ साथ वन्य जीव भी जलकर राख हो चुके हैं। राज्य में अब तक आग लगने की घटनाओं के कारण 2180.89 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ तथा 52,82,543 रुपये की वन संपदा राख हुई है। आग लगने की सबसे अधिक 84 घटनाएं धर्मशाला सर्किल में सामने आई हैं, जबकि अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इससे जहां प्रदेश की बहुमूल्य वन संपदा राख हो रही है, तो वहीं वातावरण में धुआं फैलने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। वन विभाग आग की घटनाओं पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बढ़ते तापमान एवं अधूरे प्रबंधों के चलते उसके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। सुबाथू में 8 वर्षीय बच्ची को सांप ने काटा, हुई मौत। छावनी क्षेत्र के साथ लगती ककड़हट्टी पंचायत के ग्राम ककड़हट्टी में 8 वर्षीय बच्ची तन्वी की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। तन्वी को उसके घर में शनिवार शाम को सांप ने डस लिया। तन्वी ने सांप के काटने के बाद अपने दादा को बताया। इस पर परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल सोलन ले गए, लेकिन दोहरी दीवार पहुंचते ही उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। वहीं अस्पताल ले जाते समय कह रही थी कि मुझे बचा लो। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। तन्वी सुबाथू शावनी के शौर्य पब्लिक स्कूल में 3री की छात्रा थी। उसके पिता रविकांत भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर के लेह में तैनात हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। मुख्यमंत्री बोले, राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बद्दी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान चुनाव लीड सरकार या कुर्सी का नहीं, लोकतंत्र के भविष्य की दशा और दिशा तय करने का है। बात हिमाचल की अस्मिता और स्वाभिमान की है। चूंकि राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है, मैंने राजनीति में कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, कंगना हिमाचल की बेटी तो क्यों मांगे थे टूरिज्म प्रचार को एक दिन के 45 लाख रुपए। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी हैं तो उन्होंने हिमाचल में पर्यटन के प्रचार के लिए 45 लाख रुपए क्यों मांगे थे। वे अकेली ऐसी बेटी नहीं है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है और अपने प्रदेश की सेवा के लिए कभी पैसे नहीं मांगे। पूरा भाजपा सरकार के समय कंगना ने पर्यटन के प्रचार के लिए एक दिन के 45 लाख रुपए क्यों मांगे थे। इसका जवाब तो कंगना के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, मोदी सरकार ने 10 वर्षों में अपना कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था। इस दृष्टि से बीस करोड़ युवाओं को रोजगार के अपने वायदे पर जवाब दें। अग्निहोत्री पिछले कल हरोली क्षेत्र के तहत युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 10 वर्षों में अपना कोई भी वायदा पूरा नहीं किया है, अन्यथा देश में इतनी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने का कार्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर रही है। प्रत्येक विभाग में पद भरे जा रहे हैं और युवाओं को रोजगार के द्वार खोल दिए गए हैं। भाजपा ने केवल खोखले वायदे किए थे जिसका खामियाजा उन्हें इन चुनावों में भरना पड़ेगा। स्कूल टाइमिंग बदलने को हरी झंडी। हिमाचल में पड़ रही भारी गर्मी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। वर्तमान में सिर्फ ऊना जिला में सुबह 8 से 1 बजे तक स्कूल चलाने के लिए टाइम बदला हुआ है। लोगों की डिमांड के बाद यह फैसला डीसी ऊना ने लिया था, लेकिन बाकी जिलों में अभी इस तरह का निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि शनिवार को नालागढ़, हमीरपुर और बिलासपुर इत्यादि स्थानों से टाइम बदलने को लेकर मांग निदेशालय तक भी आ रही थी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए इस बारे में सभी जिलों के उपनिदेशकों को अधिकृत कर दिया गया है। यह फील्ड ऑफिसर को ही पता है कि उनके जिला में तापमान क्या है और मौसम कैसा चल रहा है। उपनिदेशक चाहें तो अपने स्तर पर यह निर्णय ले सकते हैं या फिर संबंधित जिला के उपायुक्त से बात कर भी निर्णय लिया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट की पेंशन देने पर फैसला इसी हफ्ते। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों के लिए काउंट करने को लेकर राज्य सरकार आज से शुरू हो रहे सप्ताह में फैसला ले लेगी। वित्त विभाग इसी सप्ताह यह कार्यालय आदेश जारी कर रहा है। प्रधान सचिव वित्त की अध्यक्षता की कमेटी में यह निर्णय पहले हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। इस कार्यालय आदेश में पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों को अपना विकल्प देने के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में दी सर्विस को मिलाकर जिनकी सरकारी सेवा 10 साल या इससे ज़्यादा है वे सभी पेंशन के हकदार हो जाएंगे। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।